मनुष्य जन्म हुआ ही इसीलिए है कि जो कुछ मिला है उसको अपना न माने, देखे हुए में आस्था न करें, वहां विवेक करें और अपने भगवत प्राप्त गुरु को अपना माने, मिले हुए से देखे हुए की सेवा करें तो दृष्टि उद्गम में लीन होगी। एक संत को पूछा जिज्ञासु ने कि हम भगवान को अपने गुरु को क्यों भूल जाते हैं। संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जिज्ञासु को संतोष हो गया। संत ने कहा इसलिए भूल जाते हो क्योंकि उनसे भिन्न का विश्वास है तुम्हारे मन में, उनसे जो अलग है उसका विश्वास, उनसे जो भिन्न है उसकी महिमा दिमाग में घुसी हुई है और उनसे भिन्न जो भी है उसका संबंध जुड़ा हुआ है अंतर मन में, इसलिए तुम उनको भूल जाते हो और किसी और की याद में खोए रहते हो। उनसे भिन्न का विश्वास नहीं, उनसे भिन्न का संबंध नहीं, उनसे भिन्न की महिमा महत्व नहीं, फिर देखो कैसे उनकी स्मृति अखंड रहती है। और जब अपने कृपा सिंधु की, अपना हित चाहने वाले की स्मृति अखंड रहेगी तो सारे अमंगल अपने आप दूर हो जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, जर्मनी से उनको निकाला गया, माने मजबूर किया गया हिटलर के द्वारा। हिटलर तो दुष्ट था ही, आइंस्टीन जैसे बुद्धिमान आदमी को जर्मनी को छोड़कर अमेरिका भाग जाना पड़ा। और अमेरिका में आइंस्टीन को इस बात का पता चला कि जर्मनी में हिटलर ने 100 वैज्ञानिक तैयार किए हैं। किस लिए? कि आइंस्टीन ने जो खोजें की है वो सब झूठी साबित करने के लिए, वो गलत साबित करने के लिए हिटलर ने 100 वैज्ञानिक तैयार किए हैं। आइंस्टीन को इस बात का पता चला तो खूब जोर से हंस पड़े, काफी देर तक हंसते रहे। लोगों ने पूछा क्यों हंसते हो, बोले अगर मैं गलत हूं ना, मेरी खोज गलत है तो एक विज्ञानी भी काफी हो सकता है मुझे गलत साबित करने के लिए, पर अगर मैं सही हूं तो दुनिया भर के वैज्ञानिक इकट्ठे करे तो भी हिटलर मेरे को गलत साबित नहीं कर सकता, सच्चाई में शक्ति है। ये बात विज्ञानी आइंस्टीन जानते थे। तो जब साधक सच्चाई के रास्ते पर है तो कोई घर का व्यक्ति या संबंधी विरोध करे इस मार्ग पर जाने से तो साधक उससे डरे नहीं, डटा रहे, तो जरूर उसकी यात्रा सफल होगी, पूर्ण होगी। हरि ओम।